दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारा सामान मैंने मार्केट से परचेज किया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डीपी स्विच है। डीपी स्विच कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो कि हमारा मोटर स्टार्टर होता है। हम मोटर के लिए और किसी भी मेन सप्लाई में ये यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके का होगा ये। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हमारे पास ये कुछ इस तरीके का इंडिकेटर होता है जो कि हम स्विच बोर्ड में यूज करते हैं इसका। तो इसके बाद आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ये एक टू वे स्विच है दोस्तों। जो एक सिंपल स्विच होता है उसके बैक साइड यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, पर इसके तीन पॉइंट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके तीन पॉइंट हैं। तो ये हमारा टू वे स्विच है। तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक सिंपल स्विच जो होता है, छः एम्पेयर स्विच। ये देखिए 6 एम्पेयर स्विच है, ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हमारा रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर के बाद आपको कुछ इस तरीके का हैंगिंग होल्डर मिल जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे जो 16 एम्पेयर की सॉकेट है। तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये एक फ्यूज़ है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये फ्यूज़ है जो कि हम स्विच बोर्ड में इसका यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये एक टीवी सॉकेट जो कि हमारे स्विच बोर्ड में लगती है, जहाँ से हम केबल की वायर लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे बेल स्विच देखने को मिल जाएगा, ये देखिए ये एक बेल स्विच है, देखिए। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके की सॉकेट, 16 एम्पेयर की सॉकेट है, ये मॉड्यूलर है, ये मॉड्यूल फिटिंग में यूज होती है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 2 पिन सॉकेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मटेरियल है जो हमारा इलेक्ट्रिकल काम में बेसिक मटेरियल यूज होता है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये हमारी 2 पिन सॉकेट आ गई, ये देखिए। इसके बाद हमारा ये 2 पिन टॉप है, मेल फीमेल, ये देखिए। इसके बाद हमारी आ गई 6 एम्पेयर सॉकेट, ये देखिए। दोस्तों, इस पे लिखा भी होता है कितने एम्पेयर की ये सॉकेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बार देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए 6 एम्पेयर की सॉकेट। तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक बैट स्विच। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा जो एक होल्डर गैंग बॉक्स है, पीवीसी होल्डर गैंग बॉक्स जो कि होल्डर के नीचे लगता है। ये बटन फिटिंग अगर करनी हो आपको, ओपन फिटिंग, उसमें ये यूज़ होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो ये, इसके बाद आपको दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा जो कि हमारा चेंज ओवर है। चेंज ओवर एक हैंडल वाला भी होता है बड़ा, तो एक ये चेंज ओवर भी होता है। ये दोस्तों आपको अगर मार्केट से लेना है तो 800-900 की रेंज में आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं इसके दोस्तों 3 स्टेप होते हैं, एक स्टेप ये है, 2 और 3, लेकिन 1 2 3, ये देखिए 3 स्टेप हैं इसके। तो इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉट बने हुए हैं वायर लगाने के लिए। तो इस साइड जहाँ पे लोड आप अपने घर की सप्लाई देंगे, लोड वो आपको इस साइड से देनी है 2 वायर। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बने हुए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि आपकी जनरेटर और मेन सप्लाई आ रही है खंबे से, पोल से, मतलब कि मेन सप्लाई आ रही है, एक वो आ गई, एक आ गई आपकी जनरेटर की सप्लाई, आपको दोनों में चेंज ओवर लगाना है। तो आप इसमें कैसे लगा सकते हैं, आप देखते हैं ये वाली साइड और ये वाली, ये जो नीचे साइड है यहाँ पे आप जनरेटर की वायर लगा सकते हैं, जहाँ की बिजली की, यहाँ और जहाँ, और ऊपर वाली साइड बिजली की या जनरेटर की। अगर आप ऊपर जनरेटर की लगाएंगे तो नीचे बिजली की लगा लें। दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है, न्यूट्रल एक साइड होनी चाहिए। अगर इस साइड आप लाइट की वो लगा रहे हो न्यूट्रल, तो नीचे वाली साइड जनरेटर की न्यूट्रल इस साइड ही आनी चाहिए। अगर आप इस साइड कर रहे हो, मतलब दोनों की न्यूट्रल एक साइड आनी चाहिए, तो ही ये काम करेगा। ये देखिए, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का MCB, ये देखिए, जो कि हैवल्स कंपनी का SPN है। ये हमारा आ गया 32 एम्पेयर का। तो जो मैं आपको ये चेंज ओवर दिखा रहा था पहले, ये है हमारा 63 एम्पेयर का। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके के MCB है हमारे पास।
जो कि 25 एम्पेयर के हैं, ये सिंगल एमसीपी है जो कि हमारी फिटिंग में यूज होता है मेन बोर्ड में। तो इसके बाद हमारे पास ये देखिए, ये 16 एम्पेयर का है, मतलब जे और जे सेम है पर ये 25 का है और ये 16 का, जैसे कि आप देख रहे हैं एक 25 का है एक 16 का है, दोनों सेम, पर ये लोड ज़्यादा, जो 25 का है ये लोड ज़्यादा उठाएगा और जो 16 का लोड कम उठाएगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक मटेरियल बता रहा हूँ, मैं आपको सारा मटेरियल नहीं बता रहा हूँ, जो जो मैंने मार्केट से परचेज किया मैं वही आपको इसमें बताऊँगा। दोस्तों ये हमारी डोर बेल है, जैसे कि आप देख रहे हैं एंकर कंपनी की है, ये देखिए एंकर कंपनी की है, एंकर पैनासोनिक डोर वेल डिंग डोंग, ये देखिए। तो ये इसकी वायर है, तो मैं आपको ये अभी चला के भी बताऊंगा किस तरीके से काम करती है। तो इसकी वायरिंग ये है, मैं इसको लगाता हूँ बोर्ड में, ये देखिए आवाज आ रही है इसकी, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल काम कर रही है। ये डोर बेल है, डोर बेल के लिए आपको गेट पे ऐसा बेल स्विच लगाना पड़ता है जो कि आप गेट पे लगाते हैं, और ये बेल आपको घर के अंदर लगानी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।